जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है और आपको दिखाने के लिए मैं हर त्यागी बाहुबली एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे रफ्तार बैच के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर फोर और आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं आप लोगों को मैं एक स्पेशल देना चाहता हूं कि जो इनपुट या जो सोच मैंने तुम्हारे लिए रखी थी अब बहुत सारे बच्चे उसी सोच के साथ चल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर लेक्चर में जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप उनका आंसर करते हो आप लोग सीखने के एक अलग रास्ते पर चल पड़े हो मेरे साथ और मैं आपको बताऊं आप लोगों तक आप लोगों को मैं आई के सफर तक लेकर जाऊंगा मेरा मेरा प्रण है है संकल्प कि मैं अपना 100 इनपुट दूंगा और आधे बच्चे ऐसे हैं जो इस संकल्प को सीरियस ले रहे हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं और आप को आंसर करते हुए देख मेरी एनर्जी जो लेवल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप क्या खाते हो आपकी डाइट क्या है तो डाइट हो तुम लोग ठीक है

केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे आपके मॉडर्न फिजिक्स जो होंगी ना फिजिक्स के अंदर वहां के भी क्वेश्चन होंगे और सुनो हर त्यागी कंप्लीटली इसकी ऐसी तैसी करेगा तुम्हारे साथ ठीक है है तुम्हें भी फोकस करना जरा देखिए सबसे पहले मैं उस वाले मॉडल को स्टार्ट करने से पहले सनलाइट का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं लास्ट लेक्चर में करवाना चाहता था लेकिन वहां पर मेरे को याद नहीं रहा है पता नहीं समझ में नहीं आया ठीक है उस टाइम पे याद नहीं आया तो वो ये पार्ट भी मैं आपको कंप्लीट करना चाहता हूं कि बेसिकली सनलाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं अब भाई बात ऐसी है कि इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहा क्योंकि इसके अंदर मेरे बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक के नाम से आपको पता लग रहा होगा कि सर इसके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और रेडिएशन का मतलब क्या होता है रेडिएशन का मतलब होता है जिससे हीट निकले एनर्जी निकले ठीक है भाई तो लिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन यानी जिसके अंदर क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो आप सोचोगे सर ये कैसे होते होंगे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सनलाइट है वो वेव की तरह भी चलती है ऐसा बेटा जी किसने बताया था ऐसा बताया था प्लैंक बाबा ने और क्या बोला था उन्होंने उन्होंने कहा था सर प्लैंक बाबा ये बात बोलकर गए कि जो लाइट है वो आपके पास वेव नेचर शो करती है और जो वो वेव चलती है ना कैसे चलती है मैं आपको बताता हूं मान लीजिएगा ये मेरे पास एक एस, एक्सिस ऐसे है और दूसरी एक्सिस मैंने ऐसे बनाई ठीक है भाई एक्स और वाई एक्सिस और मुझे पता है कि दो फील्ड है अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्लीज समझिएगा एक फील्ड कुछ ऐसा होगा ठीक है और दूसरा फील्ड जो होगा वो इसके 90 डिग्री पर होगा अगर मान लो इसको मैंने ऐसे मान रखा है इसको मैंने ऐसे माना हुआ है ठीक है भाई तो इनका 90 डिग्री क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा इनका 90 डिग्री क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा चलो देख लेते हैं भाई क्या होता होगा अब जरा देखो मेरे बच्चों मेरे शेरों देखो भाई ऐसे 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 अरे भाई ऐसे ये होंगे इनके क्या मान लीजिए कि एक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हो दूसरे को आप मैग्नेटिक फील्ड मान लेना पर आपको देखने पर समझ में आ जाएगा कि इस तरह से वो जो वेव होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर चलती है 90 डिग्री पर ठीक है तो ये होता है बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरह से वो ट्रेवल करती है बात करते हैं कि सर इसमें आई से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो मैं आपको बताऊ ना आप लोगों ने कभी सुना होगा कि आज इस लड़की की स्किन जो है वो काली पड़ गई है टैनिंग हो गई है क्योंकि ये जो है यूवी लाइट में आ गई थी तो इसको अगर इस रिटर्निंग से बचना है या सनलाइट से बचना है तो इसको फड़ना ढिमकाना कंपनी का एक सनस्क्रीन लगाना चाहिए और तब इसकी त्वचा गोरी गोरी एकदम बढ़िया बढ़िया हो जाएगी ना, है, ना है ऐसा एडवरटाइजमेंट कहा होता है ऐसा लगता है सर कि सनलाइट के अंदर कहीं ना कहीं यूवी लाइट होती है यानी यूवी रेस का नाम आपने सुना होगा ठीक है और क्योंकि हमें बहुत अलग अलग कलर नजर आते हैं आपने सुना होगा वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो है ना ये सब सुने होंगे आपने रेड वगैरह तो आपको ये भी लगता होगा कि सनलाइट के अंदर वो सात रंग भी चलते हैं यूवी भी चलती है इंफ्रा भी चलती है माइक्रोवेव भी चलती है रेडियो वेव भी चलती है ये सारी वेव एक साथ चलती है पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है वो आई में कह सकता है कि चार मैंने रे दी चार रेज का नाम दिया बताओ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर सही है किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सही है या वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए या फिर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं अरे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे करेंगे जरा समझिएगा पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या वो जो आपके पास सनलाइट है उसके अंदर वो कितने टाइप की रेज होती है आपने सुना होगा कॉस्मिक रेज तो पहले हम कॉस्मिक रेज गामा रेज ये वाई रेज नहीं है कभी तुम यही वाई फॉर येलो समझ लो गामा है गामा गामा रेज एक्स रेज रेज एक्स एक्स नाम सुना होगा तुमने पड़ती है ना जब हम थोड़ा वो देखते हैं कि हड्डी कहां से टूटी अल्ट्रा वोलेट रेज के बारे में जानते हैं विजिबल के बारे में जानते हैं आई के बारे में जानते हैं माइक्रोवेव के बारे में जानते हैं आईआर का मतलब होता है इंफ्रा और रेडियो वेव के बारे में जानते हैं अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं यहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर तुम्हारे बाहुबली सर इजेयर और यहां पर एक टर्मिनल है जिस पॉइंट से मैंने एक रोप को बांधा हुआ है क्या बांधा हुआ है रोप को बांधा हुआ है अब आप प्लीज समझने कोई करिएगा अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैंने रोप को वहां बांधा हूं और मैं जिम में बेटा बैठक रोप कर रहा हूं ऐसे 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 कर रहा हूं इधर से कर रहा हूं पूरी स्पीड के साथ कर रहा हूं तो क्या होगा क्या होगा बोलो अरे तुम्हें लगेगा सर यहां से रोब हमें ऐसी, ऐसी, ऐसी दिखेगी और जैसे हम दूरी बढ़ती जाएगी तो हमें ऐसी, ऐसी दिखेगी बोलो बोलो होगा कि नहीं आप सर बिल्कुल ऐसा ही होगा क्रेस्ट बोलते हैं इनकी जो चोटियां होती हैं इनके बीच की दूरी को इनके बीच की दूरी को एटेंट जो पहाड़ की चोटियां दूरी को क्या बोलते हैं तो वो वेवलेंथ यहां पर भी होगा आप मुझे बताइए गैप कहां पर ज्यादा है आप कहोगे तो राइट साइड में है राइट साइड में गैप ज्यादा है सर मैंने कहा ठीक है भाई राइट में गैप है तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो तरीका बताया ये था किसका इन सारी रेस को मैंने कहा कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या बोला मैंने अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेटा जी इनका ऑर्डर अरेंज करते हुए तो एक बात ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज सॉरी वो इंक्रीज होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है अब जरा एक बात और समझने की कोशिश करिएगा हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं और वो इक्वेशन हमने कब पढ़ी थी नाइन्थ क्लास में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है लेमडा इंटू में न्यू यानी न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी लेमडा क्या है वेवलेंथ तो हम यहां पर क्या कहेंगे फ्रिक्वेंसी बराबर सी बायडा होगी कि नहीं होगी बोलो यार तुम कहोगे सर बिल्कुल बिल्कुल होगी तो क्या मैं कहूंगी सी कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है आप क्या सर तो क्या मुझे यहां से पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और हमें यह बात पता लग गई लेमडा बढ़ा फ्रीक्वेंसी घटी फ्रीक्वेंसी बढ़ी लेमडा घटा दोनों उल्टी बात हो गई यार इधर देखो मैं जब लेफ्ट टू राइट गया मुझे पता है कि भाई यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या करेगी आप सर कर कर घट गई मैंने बाबा ने तो एक इक्वेशन दी थी वो तो याद ही होगी ना प्लैंक बाबा की इक्वेशन क्या है सर आपने पढ़ाया था इक्वल टू एच न्यू जहां पर एच क्या था प्लैंक कॉन्स्टेंट इस इक्वेशन से हमें यह बात पता लग रही है सर फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करती है एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करेगी एनर्जी डिक्रीज करेगी सर सही बात बिल्कुल सही बात तो मैंने कहा कि उधर से उधर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई तो एनर्जी क्या करेगी आप कहोगे सर एनर्जी भी डिक्रीज ही करेगी ये बात कंफर्म हो गई अच्छा वापस इधर आने पर इधर देखो कहोगे सर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हो ऑर्डर चेक करते हो तो वेवलेंथ इस बार क्या होगा डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज होगी और एनर्जी भी क्या होगी मेरे बच्चों वो कहोगे सर वो भी इंक्रीज होगी बस ये अगर आपको याद है ऑर्डर याद है किसका वेवलेंथ किससे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा किसकी एनर्जी किससे ज्यादा खत्म बात एवरीथिंग खत्म बात क्लियर ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम मेरे बच्चों आ जाते हैं हम सबसे पहले अब मॉडल पे यही शुरू करना था हमें देखो होगा क्या सबसे पहले भोर आए और भोर ने पूरा दिमाग लगाया और दिमाग लगाते हुए सोचा कि यार मुझे ना ये जो रदर फोड़ बाबा स्टार्टिंग करो रदर फोड़ बाबा में कमी रह गई थी उनको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा तो वो थक रहा होगा अगर वो थक रहा होगा उसकी एनर्जी कम हो रही होगी उसकी एनर्जी कम हो रही होगी तो वो स्टेबल हो रहा होगा, उस कब होगा। जब वो न्यूक्लियस के पास पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा ऐसे आ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो किसी भी आइटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा कोई आइटम इस दुनिया में नहीं होगा जब दुनिया में कोई आइटम नहीं होगा तो कोई मोलिक्यूल नहीं बनेगा कोई मोलिक्यूल नहीं बनेगा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा कोई बॉडी नहीं बनेगी मैं नहीं हूँ तुम नहीं होगा ये नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं होगा धरती पे पर, ये सब, कुछ है। पर ये सब कुछ है अगर यह सब कुछ है इसका मतलब क्या है कि रदर फोर बाबा की वो स्टेटमेंट गलत थी वही उनकी लिमिटेशन बनी और दिमाग लगाया बेटा इस बार बोहर बाबा ने नील बोहर ने और उन्होंने एक लाइन पढ़ी हमारे वेदास की मतलब जानते होंगे आप लोग चार वेद होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद वेद और और वेद। एक एक की न्यूज पर उसने लाइन पढ़ी उनसे उनको ज्ञान आया कि दुनिया का अति सूक्ष्म और दुनिया के जो प्रमाण पिंड है मतलब बड़े पिंड है वह समान है उनसे उन्होंने लॉजिक लगाया कि अगर मैं गैलेक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सोलर सिस्टम उसका एक छोटा सा पार्टिकल है और यदि मैं, मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूं तो एटम खुद में एक बहुत छोटा पार्टिकल है लेकिन दोनों में बहुत सारी समानता है कैसे जरा देखिए जिस तरह से सोलर सिस्टम के सेंटर पे सन है ठीक उसी प्रकार एटम के सेंटर पर भी न्यूक्लियस है मैं बात तो सही कह रहा है भाई और जिस तरह से सोलर सिस्टम के अंदर जिस तरह से सोलर सिस्टम के अंदर प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और चक्कर काटते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स होते हुए भी वो प्लेनेट कभी भी सन के अंदर नहीं गिरते ठीक इसी प्रकार उन्होंने सोचा कि यार इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे चक्कर काट रहे होंगे और वो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काटते 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 क्या होंगे न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे उनको ये बात का तोड़ तो पता लग गया कि भाई वो गिरेंगे नहीं पर अब बात यदि क्यों नहीं गिरेंगे क्यों नहीं गिरेंगे तो प्लीज समझिएगा मेरे पास ये बोटल है वैसे मेरे पास बोटल ही है तो मैं इसी को दिखा देता हूं खुली हुई है देखो पानी गिर जाएगा गिरा 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 पानी भरी हुई है लेकिन अगर मैं इस इस बोतल बोतल को को ऐसे करके घुमाऊंगा ऐसे करके घुमाऊंगा ऐसे करके घुमाऊंगा ऐसे करके घुमाऊंगा ये तो फिर भी बोतल है तुम्हारे घर पे कोई डब्बा होगा ना डब्बा स्टील वाले उनमें पानी भरना उनको ढक्कन ओपन कर देना और ढक्कन ओपन करने के बाद ढक्कन ओपन करने के बाद देखना आपको पता लग जाएगा पानी नहीं गिरेगा क्यों नहीं गिरेगा मैं बता देता हूं जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है राउंड राउंड घूमता है तब उस पर घूमते हुए दो फोर्स फोर्स वर्क वर्क करते हैं हैं कह सकते हैं, एक फोर्स तो वर्क करता ही है कौन सा जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्री पैटल सेंट्री फ्यूगल सेंट्री पैटल फॉर्मुला बिल्कुल सेम बट डायरेक्शन के बिहाव पर हम उनको अलग अलग बोलते हैं अंदर की तरफ लगता है तो कुछ और बाहर की तरफ लगता है कुछ और बाकी कोई दिक्कत है नहीं तो प्लीज समझिएगा उन्होंने ये सोचा कि जब सोलर सिस्टम के चारों तरफ प्लेनेट जो है वो चक्कर काट रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में एक फोर्स लग रहा था और आप लोग जानते हैं कि मान लो अगर कोई पॉइंट है सपोज करो कि ये पॉइंट है और इधर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यह उसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे और इधर से एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा हूं दोनों अगर वन डिग्री पर हुए दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो मुझे बताओ कि क्या यह पॉइंट इधर से इधर हो सकता है आप कहोगे नहीं सर अपनी ही पोजिशन पर रहेगा फिक्स रहेगा सर कोई इसको हिला नहीं पाएगा जब दोनों फोर्स बराबर होंगे 180 डिग्री पर लग रहे होंगे डायरेक्शन में तो नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकता यही मैं आपको बोल रहा हूं सेम ऐसा ही हुआ कि हमने दे ये देखा कि बोर बाबा ने बात सोची कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा था तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर भी दो फोर्स वर्क कर रहे थे एक तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और कह रहा था आओ मिलो सजना जल्दी आओ हम तुम्हें खींचने वाले हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं खींचेगा ना वो आप बिल्कुल खींचेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो खींचेगा लेकिन तभी हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा था तो घूमते हुए उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था जो बाहर की तरफ था जिसकी डायरेक्शन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन थी दोनों मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर घूमता रहा ना बाहर गया और ना ही अंदर आया और फिर कहानी चेंज हो गई कहानी चेंज होते ही अब आपको थोड़ी सी मैं फिजिक्स दिखा देता हूं क्या है जरा समझिएगा क्या है समझिएगा प्लीज पहला पोस्टुलेट में बात करूंगा कि भोर बाबा ने बोला कि जिस तरह से आपके पास सन है जिस तरह से आपके पास सन है वैसे ही क्या होगा बेटा जी यहां पर क्या होंगे प्लैनेट या अर्थ मान लीजिएगा आप लोग ये बात जानते हैं कि भाई सन का साइज बड़ा है प्लैनेट छोटे हैं उसके कंपेयर में तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ठीक है भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि भाई सन उन प्लैनेट को अपनी तरफ खींचना चाहता है लेकिन क्योंकि प्लेनेट कंटिन्यूअसली घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है तो आप लोग जानते हैं कि भाई इस पर भी एक इमेजिनरी फोर्स वर्क करेगा जिसको हम क्या कहेंगे सेंट्री फ्यूगल फोर्स और जिसका मैग्नीट्यूड होगा बाहर की होगा बाहर की की तरफ तरफ क्या होगा बेटा जी अपोजिट साइड में और उसको हम कहेंगे सेंट्री फ्यूगल फोर्स जिसको मैंने कहा एफ सी से डिनोट किया और फिजिक्स वाले सर ने आपको फॉर्मूला बताया होगा एम वी स्क्वायर बाय आर यह फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा जी ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बानल उन्होंने अब तो दिखाऊंगा बेटा जी वो क्या है प्लीज समझिएगा उन्होंने क्या सोचा उन्होंने सोचा कि जिस तरह से सोलर सिस्टम में वर्क हो रहा है वैसे ही एटम के अंदर भी हो रहा होगा वैसे ही एटम के अंदर भी हो रहा होगा उन्होंने सोचा कि सेंटर पर अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा आपको के साथ बिल्कुल ऐसा तो होता ही है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल तो 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 है प्रोटॉन आपके चार्ज है चार्ज है चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ने सोचा कि चलो भाई घुमा जाए इसके चारों तरफ घूम ही रहे इलेक्ट्रॉन तो और हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बोर बाबा ने क्या बोला बोहर बाबा ने ये जितना भी अजमशन दिया ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए ही एप्लीकेबल था मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए सिस्टम का मतलब होता है ऐसी जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन माना प्रोटोन चाहे कितने भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और जो ये फोर्स लगेगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स और मैंने इसको डिनोट किया एफ ई से किसे डिनोट किया एफ ई से और जब ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था तो बाहर की तरफ भी एक इमेजिनरी फोर्स वर्क कर रहा था इसको मैंने क्या कहा बराबर होगा बेटा जी इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स बराबर होगा हमारे पास क्या एफ ई इक्वल टू के जेड वन या कह लीजिएगा हमारे पास होगा ऐसे मान लेना बेटा वन के टू बाय आर स्क्वायर यानी बीच की दूरी जो होगी वो आर होगी ठीक है चलिए अब मैं आपको बताता हूं भाई ऐसा सोचने के बाद उन्होंने पोस्टुलेट दिए और इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्वेश्चन इस इस पर पर ऐसे ऐसे बनते बनते हैं हैं मेरे बच्चों क्वेश्चन कि दिए गए चार पोस्टुलेट में से या चार स्टेटमेंट है वो पूछ लेगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है और इस पर बहुत सारे मेरे भी बनेंगे तो हमें बेटा जी बोहर मॉडल के पोस्टुलेट को याद रखने के साथ साथ सीखना है एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है तो जरा देखिए पहला मैं पोस्टुलेट आपको लिखवाना चाहूंगा पहला पोस्टुलेट में लिखवाना चाहूंगा बेटा बोर अज्यूम्ड दैट अज्यूम्ड दैट एन एटम एन एटम इज जस्ट लाइक सोलर सिस्टम इट जस्ट लाइक सोलर सिस्टम इट्स जस्ट लाइक सोलर सिस्टम इसका मतलब क्या हुआ द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम एज लाइक द सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम तो ये कहेंगे द न्यूक्लियस इन एन एटम एट द सेंटर एट द सेंटर एज एस द सन एज द सन प्रेजेंट एट द सेंटर एट देंटर ऑफ द ऑफ द सोलर सिस्टम याद भी करवा दिया समझा भी दिया ठीक है ऑफ द सोलर सिस्टम अब समझिएगा आगे की लाइन क्या है एंड एंड इसको मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं क्योंकि दोनों बात आपको समझ में आया अलग अलग एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन मूव्स पकता है मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस समझिएगा अराउंड द न्यूक्लियस एज द प्लेनेट एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन अराउंड द सन प्लीज जो मैंने बोला ना आपको कसम है ये बात आपको समझनी पड़ेगी आपको समझनी पड़ेगी नहीं तो शराब दे दूंगा हाँ, देख लो सब समझा रहा हूं खोल खोल के क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई कि नहीं यही बोला मैंने आपको गैस आगे देखो आगे क्या कह रहा है दूसरे पोस्टुलेट में क्या कहेगा मतलब पहला ही पोस्टुलेट कंटिन्यू चल रहा है ठीक है भाई यह बात तो क्लियर है अब जरा देखो पहले पोशोलट में क्या चल रहा है वेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस जब वो अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो चक्कर काट रहा था तो कितने फोर्स उस पर फील कर रहा था एक्सपीरियंस कर रहा था कहोगे सर दो अराउंड द न्यूक्लियस इट फील्स टू फोर्सेस इट फील्स टू फोर्सेस क्या है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या मुझे कोई शेर पट्टा बोलेगा अट्रैक्शन की ये जो इलेक्ट्रोटिक अट्रैक्शन इसकी डायरेक्शन क्या है अरे तुम बोलोगे सर पता है हमें टूअर्ड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस की तरफ होती है तो मैं लिखूंगा टूअर्ड न्यूक्लियस फिजिक्स वाली फॉर्म में करा रहा हूं फिजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे डेरिवेशन भी होंगे सब समझाऊंगा ठीक है डिटेल में समझते जाना है एंड और उसने दूसरा क्या बोला एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स कौन सी डायरेक्शन होगी बोलो बोलो कौन सी डायरेक्शन होगी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर भी नहीं रहा है तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा सर कोई फोर्स लग रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा राइट और रॉन्ग यस ठीक है भाई एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो यहां पर मैंने बोला बेटा जी टूअर्ड टूअर्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टूअर्ड अवे फ्रॉम द टू वर्ड हटा दो अवे लिख दो बस ठीक है भाई अब जरा देखिए दीज फोर्सेस आर सेम या इक्वल बट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन आर इन डिफरेंट डायरेक्शन इतना आसानी से नहीं समझा पाऊंगा बेटा जी मतलब इससे हद आसान नहीं हो सकता कुछ भी सिर्फ लाइन है आपको मानना है कि आइटम सोलर सिस्टम है उसी तरीके का है और दो फर्श वर्क रहे होंगे कौन कौन से जरा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन बराबर होगा सेंट्री फोर्स के बराबर दोनों के फॉर्मुले मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं दोनों के फॉर्मुले मैंने यहां पर दिखाए जरा ध्यान से देखो जो ये मैंने बनाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है के और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है एम वी स्क्वायर बाई आर मैं आपको बता दूं के आपके पास कॉन्स्टेंट है Q1, Q2, दोनों चार्ज है न्यूक्लियस पर भी और इलेक्ट्रॉन पर भी और आर स्क्वायर बीच की दूरी का वर्ग यानी स्क्वायर और एम क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी क्या होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्या होगा यार डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस यही है सेम दोनों को रख दीजिए तो मैंने कहा कि भाई के क्यू वन वन का मतलब क्या होगा प्रोटोन का चार्ज क्यू वन क्या होगा प्रोटोन का चार्ज

उसके लिए मैंने जेड इंटू में एक इलेक्ट्रोटोन पर चार्ज यानी मैंने क्या कर दिया जेड ई e कर दिया और एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था बाहर उस पर तो सिर्फ कितना चार्ज होगा ई e होगा ई e माने वन पॉइंट सिक्स पर ई कर दिया बेटा कोई दिक्कत नहीं है अपॉन आर स्क्वा स्क्वायर बाय आर ध्यान से देखिए यहां आर से ये आर की पावर कैंसिल हो जाएगी या नाम आपको सर बिल्कुल और यहां पर एक इक्वेशन बचेगी बेटा बेटा इधर देखो कौन सी इक्वेशन होगी वो? वो इक्वेशन होगी सर के जेड इक्वल और, और बताऊंगा क्योंकि जो के होता है ना ये वही वन जो लास्ट में बताया था वन बाय फोर पाई एफ एन नोट जिसकी वैल्यू क्या होती थी के वैल्यू क्या होगी नाइन इन में टेन की पावर नाइन ये वाली ठीक है भाई ये वाली वैल्यू होगी खैर चलो आगे बढ़ते हैं यह पहला पोस्टुलेट है और जो आपको समझ में आ गया होगा और इसकी वजह से जो इक्वेशन बनेगी वो यह बनेगी यह भी आपको समझ में आ गई होगी अब आप समझने की कोशिश करिएगा दूसरा पोस्टुलेट दूसरे पोस्टुलेट में क्या कहता है दूसरे पोस्टुलेट में क्या कहता है दूसरे पोस्टुलेट में कहता है ठीक समझिएगा क्या कहेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीजर हो आप सोचोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो प्लीज लिख दो फिर समझाना ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जरा देखो इधर देखिए प्लीज इसके अकॉर्डिंग क्या है अकॉर्डिंग टू बोर बाबा ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन मूव इन दैट ऑर्बिट दैट ऑर्बिट ऑर्बिट का मतलब समझते हो ऑर्बिट वेयर वेयर द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल इंटीजियर ऑफ इज दल्टीपल इंटीजियर ऑफ एच अपॉन टू पाई एच क्या होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट टू भी क्या होता है प्लैंग सॉरी टू पाई जो है वो भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट अब ये जो कहना चाहता है, इसका मतलब समझते हैं क्या है ये एक 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 को करेगा और इक्वेशन क्या है एंगुलर फिजिक्स में, पढ़ा कि मास में क्या होता है? और मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं या से, तो ये बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम तो एमबीआर क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम जरा देखिए क्या बोलना है इसने कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन मोमेंटम जो है वो एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीजर जहां पर एन क्या होगा नंबर ऑफ शेल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन समझ में कि नहीं आई बोलो आपको सर बिल्कुल आ गई अरे मतलब मल्टीपल इंटीजर कैसे होगा वन टू थ्री फोर ही तो होगा ना फ्रैक्शन में नहीं होता ये तो जरा देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी आर जब इसको बराबर रखेंगे हम एच अपॉन टू पाई इंटू में एन तो इसका कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर आप एम वी आर को डिवाइड करते हैं एच बाई तो दोनों का रेशियो एक फिक्स नंबर के बराबर चाहिए एक फिक्स इंटीजर के बराबर आना चाहिए चाहे वो वन हो टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो सिक्स हो सेवन हो एट हो नाइन हो टेन हो मैं आपको एक बार बोले क्वेश्चन पूछा गया था एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने पढ़ा हुआ क्वांटम नंबर एन एनएलएम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने सबसे पहले कौन से मॉडल में पढ़ी थी तो वहां पर पहले वाले ऑप्शन में आई के अंदर ऐसे ऑप्शन में आता है कि श्रोडिंगर वेव मॉडल या श्रोडिंगर क्वांटम मॉडल तो आधे बच्चों को लगता है अरे भाई साहब श्रोडिंगर क्वांटम मॉडल से तो हमें लगता है कि श्रोडिंगर क्वांटम मॉडल के बाद ही तो हमने ये क्वांटम नंबर सीखे थे क्वांटम नंबर स्कूल में पढ़ाए गए थे इसका मतलब यह होगा कि श्रोडिंगर क्वांटम मॉडल से ही ये क्वांटम नंबर ड्राइव हुए होंगे लेकिन सबसे पहली बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव तो बाद में आएगा जब ये फेल हो जाएगा ना बोर मॉडल इसके बाद आएगा वो लेकिन सबसे पहले आपने एन को कहां पर देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहां पर देखा आप कहोगे सर हमने सबसे पहले बोर मॉडल में देखा तो ये पॉइंट आपको याद रखना है पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका मतलब होता है स्मॉल एन और यह रिप्रेजेंट करता है किसको नंबर ऑफ शेल को फर्स्ट रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट या इंट्रोड्यूस कह लीजिए जब हमें दिखी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बोहर बाबा के स्पेशल मॉडल में बोहर्स एटॉमिक मॉडल में यह बात याद रखना बेटा अगर ये आपको याद रहेगी तो आपसे एरर नहीं होंगे और आप लोग जानते हैं कि जो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप जानते हुए भी गलती करके आते हो और नेगेटिव मार्क खाते हो तो ये बात आप याद रखेंगे पहली बार आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर मॉडल में देखी थी और पहला क्वांटम बेस मॉडल भी बोहर मॉडल ही था यह फेल हो गया इसके बाद वेव मॉडल आया लेकिन क्वांटम मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वांटम मॉडल आपके पास कौन सा था बेटा जी बोहर मॉडल था चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह बात इन्होंने मान ली और हां कई बार पूछा जाता है कि भाई यह बिल्कुल करेक्ट है। इसको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूं ऐसा ही उन्होंने बोला कि एच जरा देखो।, देखो आगे, क्या, करने आगे क्या, करने से। इसको मैंने क्या कर दिया भाई यह मैंने इक्वेशन चलो तो अभी इसको बनाऊंगा इक्वेशन इस, इस से मैं आगे लेके जाऊंगा ठीक है जरा क्या है मुझे पता है कि एम वी आर एम वी आर बराबर एच अपॉन टू पाई इन टू में एन यही बोला था ना मैं सेकंड कि, कि किसी भी इलेक्ट्रोन एंगुलर मोमेंट टू बाईन चाहिए यार तो देखो जरा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं और आपको मजा आएगा फुल मजा आएगा आप एक काम करो इस इक्वेशन का दोनों साइड से स्क्वायर कर दो तो मैंने क्या करा भाई ऑन स्क्वा दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन तो क्या होगा एम स्क्वायर वी का स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर एच का क्या हो जाएगा बोलो बोलो क्या हो जाएगा इसका आपको कहो सर एच का स्क्वायर फोर पाई का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा एन का स्क्वायर मैंने कहा बिल्कुल यही करना है अब जरा देखो बेटा प्लीज समझिएगा मैंने यहां पर क्या काम किया ये जो आर है ना आर स्क्वायर

मान लिया मैंने इसको इक्वेशन टू अब जरा देखिए इक्वेशन टू किसके बराबर है एम बी स्क्वायर किसके बराबर है एम बी स्क्वायर ठीक है अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था इधर देखो इक्वेशन वन किसके बराबर थी सर एम बी स्क्वायर क्या इससे हमें पता लग गया कि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों बराबर है भाई बिल्कुल एमबी स्क्वायर के बराबर तो कर दो यार तो आप क्या करोगे जरा देखो क्या करोगे आप करोगे ऐसे पहले मैं आपको एक लाइन दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ठीक है बिल्कुल भी कंफ्यूज तो होंगे नहीं ये तो मैं कसम खाता हूं बेटा जी केमिस्ट्री में तो कहीं भी मैं आपको कंफ्यूज होने दूंगा ही नहीं ठीक है इधर देखो इधर इधर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं मैंने कहा इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू ये मैंने बराबर कर दी और वहां पर क्या लिखा के जेड ई स्क्वायर बाय आर और बराबर क्या हो जाएगा इसके एम स्क्वायर वाला जो भी राइट हैंड साइड में उसको बराबर कर दो तो मैंने कहा कि एच स्क्वायर और फोर पाई का स्क्वायर इन में एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा ये है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ये और इन टू में आर स्क्वायर प्लीज समझिएगा मेरे बच्चों समझना मेरे लाल क्या होगा जरा देखो जब मैं इन इक्वेशन को बराबर में रखूंगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सर यहां से ये आर कंप्लीटली कैंसिल आउट होगा और यहां से ये यह एक पावर कैंसिल आउट होगी अब जरा देखो आपको आर इधर लेके जाना है और बाकी सारी वैल्यू को इधर लेके आना है तो आप लोग क्या करोगे जरा इधर ही देख लो यहीं पर कि सर अगर आर को मैं स्पेशल उधर लेके चला गया मुझे पता है कि एच स्क्वायर ऊपर पहले से था ठीक है फोर पाई स्क्वायर ऑलरेडी यहां पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है के नीचे आएगा कॉन्स्टेंट ई स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया पर जेड को मैंने थोड़ा सा अलग लिखा ठीक है लेकिन लिखूंगा नीचे ही क्यों मैं बताऊंगा एन स्क्वायर पहले से ही था अब जरा देखिए बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा एच क्या होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस के नाइनटी सॉरी थर्टी फोर जू सेकेंड फोर क्या है कॉन्स्टेंट पाई क्या है कॉन्स्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंटेंट के पॉवर नाइन सिक्स लिया कि ये पूरी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक क्या है ही तो है और इसको अलग सॉल्व कर लिया अलग सॉल्व करने के बाद पता है मैंने क्या पाया मैंने पाया आर इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू टेन की पावर माइनस के टेन एन स्क्वायर बाय जेड और ये वैल्यू मीटर में पाई इस वैल्यू को दूंगा मीटर को एंग करेगा इधर देखो इधर आएगा हमारे पास एक फॉर्मूला आर इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री कुछ बुक में लिखा होता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन तो घबराना नामा जीरो पॉइंट फाइव थ्री सफिशियंट जीरो पॉइंट फाइव थ्री एन स्क्वायर बाय जेड और ये वैल्यू ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में आ गई अब मुझे आप बताओ इस वैल्यू के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूं पहला तो ये होगा पहला तो ये होगा कि आपके पास कोई भी आइटम दे रखा होगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो पूछेगा कि भाई इस वाली सेल का इस वाली सेल का इसीज के लिए रेडियस कौन सा होगा जैसे मान लीजिएगा फोर लिथियम टू प्लस क्वेश्चन आता है कैलकुलेट कैलकुलेट रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इतना छोटा सा क्वेश्चन आया फोर्थ ऑर्बिट तो आप क्या करोगे कोई नहीं ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है आर इक्व टू जीरो पॉइंट फाइव थ्री सेम रहेगा एन की जगह पर ऑर्बिट का नंबर रख देंगे तो यहां पर आप फोर का स्क्वायर कर दोगे और लिथियम के अंदर कितने प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन ही तो एक है प्रोटोन तो वही रहेंगे कितने होंगे थ्री तो यहां पर जेड की जगह पर आप क्या रख दोगे थ्री ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे दुनिया में किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक की रेडियस फिर मैं चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं क्या क्वेश्चन होगा बेटा बहुत जरा देखो फोर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है कैलकुलेट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट बड़ा ही सिंपल है सर ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया देखो पूरा डेरिवेशन आप भूल जाओ लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जरा देखिए क्या है आर बराबर आर बराबर जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू में आप मुझे बताइए कि जहां पर मुझे एन है वहां पर मुझे फाइव रखना पड़ेगा क्योंकि फिफ्थ नंबर वाली सेल की बात कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है तो मैं करूंगा यहां पर फाइव का स्क्वायर एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितने है उसके अंदर एक तो यहां पर आप क्या रखोगे वन सॉल्व कर लोगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में तो पहले मैंने क्या बताया कैसे क्वेश्चन आएंगे किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी दूरी पर यानी किसी सेल में घूम रहा होगा ठीक है तो आपको निकालना पड़ेगा उसकी दूरी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी यानी रेडियस निकालनी पड़ेगी वो आप इस फॉर्मुले से निकाल लोगे दूसरा क्या हो सकता है या तो वो ये कह दे कि कोई न्यूक्लियस से दूर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी दूरी पर चक्कर काट रहा है इतनी दूरी पर चक्कर काट रहा है तो मुझे बताइए वो कौन से नंबर वाली सेल में होगा यानी फॉर्मूला आपको यही याद रखना है वो स्पीसीज में एटॉमिक नंबर आपको पता लग जाएगा ऑलरेडी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी दे रखी होगी और नंबर ऑफ सेल आपको निकालनी पड़ेगी यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जब आपको आर दे रखा हो तो वहां से आप नंबर ऑफ सेल भी कैलकुलेट कर लोगे मैं बता रहा हूं एक और बात बताता हूं इस फॉर्मूले से एक बात और पता लगी कि सर आर इज डायरेक्टली अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी स्पीसी के अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ती है तो रेडियस बढ़ती है साइज बढ़ता है सर एटम का और एक बात और पता लगी कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो सेल डिक्रीज होती है यह भी आपको पता लग गई होगी ठीक है एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे आएगा अगर पेपर में कभी भी आया तो कैसे आ सकता है जरा देखिए वो ये पूछ सकता है कि आपके पास ए और बी क्या बोला मैंने ए और बी अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन दोनों की दोनों है क्या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होंगी ना तभी बेटा जी बोहर फॉर्मूला काम आएगा अदरवाइज नहीं स्पीसीज और ये भी क्या होगी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और वो ये कह सकता है बेटा कि जरा देखो इस मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटोन है वो जेड वन है और दूसरे वाले के कितने हो जाएंगे जेड टू वो ये कह सकता है कि भाई इसके इतने वाली सेल थी एन वन और इसकी जो सेल थी वो एन टू तो भाई इन वाली स्पीसी जो रेडियस होगी एन वन और एन टू उनका रेशियो क्या होगा तो जरा देखिए जब हम लगाएंगे पर रेडियस का तो क्या बनेगा फॉर्मुलाइंटूर एन वन कर देंगे जहां पर जेड वन कर देंगे यहां पर क्या करोगे आप आर इक्वल टू जीरो आर ए और इसको माना आपने आरबी ठीक है भाई तो जब आप कभी भी रेशियो निकालोगे तो वहां पर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डिवाइड बाय तो और उधर से जब आप वैल्यू पुट करोगे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आरबी जगह पर क्या आएगा एन बी का स्क्वायर और जेड बी का आंसर जाएगा ऊपर जेड बी तो एक रिलेशन बनेगा कि आर ए बाय आर बी बराबर एन ए एन इसका आपको क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर और जेड बी बाय जेड ए जिसको ये तरह का इस तरह से यूज करना आ गया इस फॉर्मूले को यूज करना आ गया तो बेटा जी यहां इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी IIT JEE में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारी वैल्यू पता होगी दोनों एटॉमिक नंबर दोनों एटम्स का दोनों स्पीसीज का एटॉमिक नंबर भी पता होगा आपको दोनों की सेल भी पता होगी रेडियस का रेशियो निकालना है बात समझ में आई या नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन ऐसे मैं सोचा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा कसम कह रहा हूं मैं तुम्हें केमिस्ट्री की दे रहा हूं एक एक चीज पढ़ाऊंगा लेकिन अभी आपको मैं जो तरीके बता रहा हूं जो तरीके बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे दूसरा देखो तो ये कौन सा हो गया आपके पास टास्क टू टास्क टू जो है वह इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़िए आगे बढ़ेंगे बेटा ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे इधर देखो क्या इधर थर्ड वाले में थर्ड वाला टास्क क्या होगा इधर देखो बेटा कि मान लो तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियस हुआ और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होगा आर वन आर टू आर थ्री ठीक है तो वो ये पूछ सकता है कि मान लो अगर ये फर्स्ट सेल है ये सेकंड सेल है ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है और वो कह रहा है कि मान लीजिए कि फोर हाइड्रोजन के लिए है मैंने फिर हाइड्रोजन के लिए ही बोला इस बार ठीक है भाई सिंपली मैं टास्क बता रहा हूं वो किसी के साथ भी सकता है लेकिन मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा ऐसे रटवाऊंगा नहीं कुछ भी जरा देखो कैसे वो कहता है कि भाई इसकी जो रेडियस होगी ना वो आर है ये जो रेडियस होगी यहां से लेकर यहां तक आर टू है और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो आर थ्री है आर फोर है वो ये कह सकता है कि हमें एक ऐसा रेशियो निकालना है जो आर फोर माइनस के आर वन डिवाइड बाय आर टू माइनस के आर वन ये करना हो आर फोर माइनस के आर वन और आर टू माइनस के आर वन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं चाहे आई टी जे हो या एडवांस हो कैसे करोगे कैसे करोगे इधर देखो आप क्या करना है सर तो हमें पता है कि अगर मैं आर वन का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आर वन का फॉर्मूला होगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री एन वन का स्क्वायर बाय जेड क्योंकि हाइड्रोजन के लिए चाहे वन मान लो या जेड वन ही मान लो ना जेड तो सेम ही रहेगा कोई भी हो। और आर टू की अगर मैं बात करूं तो जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू में आर टू माइनस तो जरा देखिए आर टू माइनस आर वन अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या इनमें से कॉमन आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू में जेड ये मैं कॉमन ले लूंगा और यहां पर क्या बचेगा एन टू का स्क्वायर माइनस के एन वन का स्क्वायर ऐसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे सेम टू सेम अगर कभी भी वो आपसे पूछे कभी भी आपसे पूछे कि आर टू माइनस आर थ्री क्या होगा तो यहां पर थ्री करना है थ्री थ्री कितना होगा तो जरा देखो आर थ्री की वैल्यू क्या होगी कि सर जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू में थ्री का स्क्वायर ठीक है भाई यानी मैंने एन थ्री मान लिया एन थ्री का स्क्वायर जेड मेरे पास सेम रहेगा और आर फोर की वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू में एन फोर का स्क्वायर by जेड सेम ही रहेगा सॉरी जेड एक मिनट देखो भाई एन फोर का स्क्वायर और जेड मेरे पास सेम ही रहेगा जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस होगा सर बड़ा सिंपल था कि आर फोर माइनस के आर वन आर थ्री बराबर होगा कि जीरो पॉइंट फाइव थ्री बाय जेड हम कॉमन ले लेते हैं और एन फोर का स्क्वायर माइनस माइनस एन थ्री का स्क्वायर ये कर लेना मैंने कहा ठीक है कर लो अगर मुझे रेशियो निकालना हो तो आप मुझे बताइए बेटा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा और आप देखोगे जीरो पॉइंट फाइव थ्री बाई जेड कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा यहां पर यहां पर बचेगा आपके सामने क्या बोलो बोलो आप कहोगे सर एन फोर का स्क्वायर माइनस एन वन एन थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय एन टू का स्क्वायर माइनस के एन वन का स्क्वायर तो बस नंबर ऑफ सेल और रेडियस इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं घबराना नहीं है डरना नहीं है क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा तुमसे ठीक है बस ये टास्क समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो यार मुझे एक बात बताओ रेडियस कैलकुलेट करनी आई कि नहीं आई चैट वॉक्स बताना येस और नो और टाइम भी लिखना कि हाँ इस वाले टाइम पे सर हमें समझ में आ गया था ठीक है ये बात क्लियर हो गई अब एक चीज तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर हमें यह तो बात पता लग गई कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियारों तो चक्कर काट रहा था तो उसकी दूरी कैसे पता करें वो हमें रेडियस के फॉर्मुले से पता चल चुकी है अब मुझे एक बात बताओ सर अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो वो कितनी स्पीड से घूमेगा कौन से सेल में उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो या घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की अगर हमें स्पीड निकालनी होगी तो तब क्या करेंगे मैंने कहा बेटा तुम ना बब्बर शेर के साथ पढ़ रहे हो बाहुबली साहब के साथ पढ़ रहे हो डाउट तो नहीं छोड़ूंगा एक भी गोते मारूंगा ऐसे पकड़ पकड़ के डाउट को थप्पड़ मारेंगे अपन लोग और कैसे करेंगे जरा देखो सर ये बात हमें समझ में आ गई कि आपने हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया देखे इक्वेशन वन से ड्राइव करूंगा इक्वेशन वन से ड्राइव करूंगा मेरे बच्चों देखो फ्रॉम इक्वेशन मैन क्या थी इक्वेशन बार? क्या थी क्वेश्चन वन जरा देखो यार क्या थी क्वेश्चन वन ये थी क्वेश्चन वन देखो राइट पहले दिखा रहा हूं ऐसे नहीं पहले दिखा रहा हूं के जेड स्क्वायर स्क्वायर बाय आर टू एम फर्स्ट इक्वेशन थी और जहां मैं टास्क में सोच के चल रहा हूं कि बस भगवान की तरह से वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरा डाउट क्लियर हो जाए कि उस घूमते हो इलेक्ट्रॉन की मैं स्पीड पता कर लू कितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है बस 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 ठीक है जरा देखो अब जरा देखो इधर देखो इधर अबे तुमने कोई चीज कही और हम ना कर पाए ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई देखो कैसे बराबर के जेड ई यही थी कि नहीं थी बोलो यार आपको सर यही थी यही थी बिल्कुल मैंने कहा ठीक है अभी थोड़ी देर पहले जब रेडियस का फॉर्मुला पढ़ाया था वो क्या था बोलना जरा एक बार अगर हिम्मत है तो बोलो यार आप कहोगे सर आर इक्वल टू जीरो करवाया था आपने मैंने कहा ठीक है ये किस में है ये किस में था, में था एंगस्ट्रॉम अगर मान लीजिए मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इन टू में टेन की पावर टैन कर दीजिएगा सर मैंने कहा ठीक है कर दो अब जरा देखो मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करा मैं कुछ करूंगा ही नहीं मैंने एम इधर रखा वी स्क्वायर ऐसे रखा के मैंने छोड़ा छेड़ा ही नहीं इज है जेड को मैं अलग कर सकता हूं क्योंकि मोनो इलेक्ट्रोनिक के लिए प्रोटोन बढ़ सकते हैं प्रोटोन चेंज हो सकते हैं तो चेंज हो सकता है, है। अलग लिख दिया जीरो पॉइंट फाइव थ्री ऐसे लिख दो हाँ लिख, लिख दो आपको जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन टू में एन स्क्वायर क्या रखा मैंने एन स्क्वायर और फिर जेड कहां जाएगा नीचे जेड कहां जाएगा नीचे तो ये जेड कहां चला गया वापस ऊपर चला जाएगा इतना ही होगा और इंटू में टेन की पावर माइनस के टेन भी करना था तो ये जो रिलेशन होगा जब इसका आपको सोल्व करोगे देखो इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए मेरे बच्चों घबराना मत मैथमेटिक्स से क्योंकि आज नहीं पढ़ोगे फिजिक्स में जाके पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में फिर कहोगे वहां से क्वेश्चन नहीं आए डेरिवेशन के साथ सिखाऊंगा फील कराऊंगा क्योंकि तुम जे के बच्चे हो इतना मैथमेटिक्स तुम्हें आता है बोर्ड मास लेवल का जेड ऊपर चला जाएगा क्या बनेगा यहां पर एम वी स्क्वायर बनेगा यहां पर एम वी स्क्वायर बराबर के पावर माइनस टेन को मैं इधर लिख लू क्या लिख लो और और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर नीचे क्या बनेगा एन स्क्वायर यह बनाना यस yes, सर अब जाना देखो मैं क्या करता हूं कि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी मैं इधर लेकर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो मैंने क्या करा कि इस मास को यहां से हटा के इसको भी मैं इधर लेके चला गया मास को ठीक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अब मुझे एक बात बताना यार मेरे शेरों मुझे एक बात बताओ यार के कॉन्स्टेंट था कि नहीं था के कॉन्स्टेंट था कि नहीं था बोलो यार के की वैल्यू बताई थी ना नाइन इंटू में टेन की पावर नाइन बताया था कि नहीं आपको सर बताया था आपने मैंने कहा ठीक है की वैल्यू पता है कि नहीं क्या होती है अरे यार बताया तो था सर आपने बार बार खाए पूछे जा रहे पता है ऑलरेडी क्या है मास इलेक्ट्रॉन पता है ना सर नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस के नाइनटीन कुलाम होगा ना सर ठीक है भाई ये पूरा कांस्टेंट हो गया ये पूरा कांस्टेंट हो गया अगर मैं वी निकालना चाहूं अगर मैं वी निकालना चाहूं तो वी मेरे पास क्या होगा समझिएगा वी क्या होगा इस पूरी वैल्यू का जेड और यह क्या हो जाएगा एन और जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे करना नहीं है अगर करोगे मैंने कर रखी है मैं बताऊंगा क्या आया था तुम वेस्ट मत करना अगर सॉल्व करोगे रूट से बाहर निकालोगे तो v की वैल्यू आएगी 2.18 पॉइंट वन एट इन की पावर सिक्स जेड बाई एन और ये वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड में अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड करोगे फिर आपको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहां पर आप 10 की पावर 6 लिख रहे हो वहां पर आपको 10 की पावर 8 लिखना पड़ेगा फिर से बता रहा हूं देखो क्या है दो पोस्टूलेट पढ़ लो मोट बोहोर बाबा के फिजिक्स तक के क्वेश्चन करोगे कैसे जरा देखो क्या बोला अभी वेलोसिटी बराबर क्या आया था हमारे पास बोलो 2.18 पॉइंट वन एट इन की पावर 8 सॉरी 6 और जेड ऊपर था एन नीचे था और ये वैल्यू रखनी है मीटर पर सेकंड में और मैंने आपको ये भी बताया अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो सेंटीमीटर पर सेकंड में तो वहां पर आपको 10 की पावर मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो पावर इसमें जुड़ जाएगी तो टेन की पावर एट में जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकेंड ये फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास आप मुझे एक बताओ आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन दे रखा हो किसी स्पीसीज के अंदर चाहे वो लिथियम टू प्लस हो चाहे वो हीलियम प्लस हो चाहे वो बेरिलियम थ्री प्लस हो भाई प्रोटोन तो निकाल ही लोगे ना उसके एटोमिक नंबर से जेड की वैल्यू पता कर लोगे किसी भी सेल का नाम लेगा तो एन की वैल्यू भी रख लोगे बिलोस्टी एकदम कैलकुलेट हो जाएगी वेलोसिटी एकदम कैलकुलेट हो जाएगी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में घूम रहा हो एकदम कैलकुलेट हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूं एक बात तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो घूमते हुए उस इलेक्ट्रॉन की जो विलोसिटी है वो विलोसिटी है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी अब जरा देखिए इस फॉर्मूले से एक बात क्लियर पता लगी कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है यानी सेल सेल का नंबर जितना बढ़ेगा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की दूरी भी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी हाँ या ना आपको गया सर बिल्कुल बढ़ती जाएगी तो भाई अगर एन बढ़ा रहा हूं दूरी बढ़ा रहा हूं तो वेलॉसिटी क्या होगी घटेगी कि नहीं घटेगी क्योंकि बच्चों इसका मतलब क्या हुआ ऑन मूविंग पार दूर जाने पर फ्रॉम द न्यूक्लियस रे फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस द विलॉसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन द विलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन डिग्रीजेस डिग्रेज इज बिकॉज एन इज इनक्रेज क्लियर हुई ये बात दूसरा अगर आपको ये पता है वो दो एटम के लिए ठीक है भाई दो एटम के लिए दो के लिए अगर का रेशियो कैलकुलेट करवाए तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर मान लो हमारे पास दो स्पीसीज हैं तो हम उसके लिए एक फॉर्मुला लिखेंगे कि v1 वन बराबर टू पॉइंट में टेन की पावर सिक्स जेड वन वन ऐसे लिखेंगे और मान लो कोई स्पीसीज अगर टू है उसके लिए उसकी कैलकुलेट करनी है तो लिखेंगे की पावर 6, Z2 N2. तो यहां से हमें एक बात पता लगी। मेरे शेरो, क्या बात पता पता लगी, क्या लगेगी? बोलो बोलो। अरे सर कैसे इतना कर रहे है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना मैंने कहा ठीक है की पावर 6, दोनों में कैंसल आउट होगा जब डिवाइड करूंगा ना क्या बनेगा इधर बोलो यार बता दो यार जेड वन बाय जेड टू एंड एन टू बाय एन वन ये रिलेशन अगर पता होगा तो वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कैसा भी नहीं बचेगा जै फॉर्मूला और जय रिलेशन अगर तुम लोगों के याद होगा एक ना बचेगा ये मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं ठीक है ये याद रखेंगे भाई आगे ये पता लग गया हमें ये पता लग गया आगे बढ़ो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ो अच्छा तुम्हारे माइंड में कभी ये नहीं आया क्या मेरे शेर हो क्या तुम्हें ये नहीं आया कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तरफ घूम रहा होगा तो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता होगा टाइम टेकन फॉर वर रिवोल्यूशन भाई हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर घूम रहा है हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन इतनी विलॉसिटी से घूम रहा है अब क्या हो गया डिस्टेंस पता लग जाएगी वेलोसिटी पता है तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं क्या बोलो बोलो तुम कहोगे सर टाइम निकाल सकते हैं नो no डाउट टाइम निकाल सकते हैं और टाइम पर रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन आईआईटी में जेई में किसी भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं और नॉट अ ब्रॉड मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं ऐसे पूछा जाएगा एक सेल में इतना टाइम लगा दूसरी सेल में टाइम कितना लगेगा भाई इस एटम की सेल में इतना टाइम लगा उस एटम की इसी सेल में कितना टाइम लगेगा भाई बताओ यार तो हमें रिलेशन से रेशियो कैलकुलेट करना है और हमें उस पॉइंट पर फोकस करना है जहां से आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है कि जब आप एनसीआर से ठीक है भाई या बोर्ड लेवल पे जब आप यह चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता होगा सर दो चार लाइनें लिखी हुई है वहां पे तो खत्म है ना हमने पढ़ लिया हमें आता है लेकिन विजन कैसा है तुम्हारा उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या वो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं क्या तुम ऐसा भरोसा होता कि कोई टॉपिक तुमने एक बार पढ़ लिया और तुम खुद से कह सको कि चाहे क्वेश्चन नीट में आए चाहे क्वेश्चन जेई में आए चाहे एडवांस में आए मैं सब कर लूंगा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप लोगों को धीरे धीरे उस पर पूरी कमांड करनी पड़ती है अलग अलग एंगल से सोचना पड़ता अच्छा, है अच्छा उसने ये नहीं तो ये पूछ लिया तो क्या होगा और ये पूछ लिया तो इसी वजह से यहां के आज के लेक्चर में चाहे क्वेश्चन हो या ना हो विजन हर एक देखेंगे हम और फिर जब ये विजन सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं कम से कम एक टॉपिक के ऊपर पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन करवाऊंगा और बोलूंगा कि अब मुझे बता आईटी का कौन सा क्वेश्चन तुझे नहीं हो रहा ठीक है जरा देखो अब मैं आपसे पूछूंगा कि टाइम टेकन पर रिवोल्यूशन कैसे निकाल टाइम टेकन पर रिवोल्यूशन टाइम टेकन पर रिवोल्यूशन ठीक है भाई एक रिवोल्यूशन काटते हैं तो भाई कितना टाइम लगता है आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड बराबर या वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम पढ़ा होगा भाई बिल्कुल ये तो नाइन क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो तुम लोग आपको सर ये तो हमें पता है मैंने कहा पता है तो फिर देखो इधर पता है तो मेरे पुत्र देखो इधर टाइम निकालना है हमें चलो मैं टाइम निकाल के मैं लिख रहा हूं तो मैं इधर लिख देता हूं टाइम आप मुझे इतना बताओ यार मान लो कोई सेंटर पे न्यूक्लियस है कोई सेंटर पे न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन भैया इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर पाथ में किस में चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर पाथ में तो एक रिवोल्यूशन अगर मान लो एक रिवोल्यूशन अगर यहां से शुरू हुआ तो घूमने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आने के बाद बेटा जी उसको एक सर्कल पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा डिस्टेंस कितना कवर करेगा आपको सर वो टू पाई आर करेगा मैंने कहा ठीक है टू पाई आर ऐसे कर दो ना डिस्टेंस अपॉन विलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। यानी क्या होगा टू पाई आर अपॉन में वेलोसिटी कितनी थी अभी तो लिखवाया था टू पॉइंट वन एट इन टू में टेन की पावर ए सिक्स सिक्स और वैल्यू यहां पर जेड लिखते थे

क्या हुआ इधर देखो आप कहोगे सर टाइम जो था ना टी वो बराबर हो गया हमारे पास टू पाई हमने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है आर की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे तो कितना जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू में टेन की पावर माइनस के टेन और, और, और। नीचे टू पॉइंट वन एट इंटू में टेन की पावर माइनस सॉरी टेन की पावर सिक्स इतना मैंने रखा अब जरा देखो आगे की जो बची हुई वैल्यू है एन स्क्वायर जो छोड़ दी थी एन ऑलरेडी एक था जब वो एन स्क्वायर इस एन से मल्टीप्लाई करेगा तो एन की पावर कितनी जाएगी थ्री एक जेड पहले से था एक जेड जब इधर से मल्टीप्लाई होगा मतलब तो आर की जगह पर जाएगा वो भी डिनोमिनेटर में ही जाएगा यहां क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर अब जरा देखो चाहे दो एटम हो ठीक है भाई और चाहे एक ही एटम की दो अलग अलग सेल हो तो वहां पर जब आपको ये ये वाला कॉन्स्टेंट मतलब ये वाला फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो आपको एक रिलेशन बनाना आ जाएगा क्या है एक कंडीशन आपके पास वन है और दूसरी कंडीशन आपके पास टू है ऐसे मान लेना आपको पता है कि ये वैल्यू पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट है भाई इसको नहीं छेड़ सकते अपन और मान लो अगर डिवाइड भी करोगे तो ये वैल्यू पूरी की पूरी कट जाएगी अलग अलग इक्वेशन से आप ऐसे क्यों नहीं मान लेते कि टाइम वन ऐसे कि यहां पर जो नंबर ऑफ सेल थी वो एन वन थी और इसका एटोमिक नंबर क्या था जेड था इसका क्या मान लोगे एन है एटोमिक नंबर जेड था आप जैसे वैल्यू पुट करके उन इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं कैसे करना है डायरेक्ट रिलेशन क्या आएगा कि T1 वन बाय टी बराबर होगा N1 क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाय N2 इसका क्यूब करना है हमें ठीक है भाई और और आ, जेड टू बाय जेड वन इसका स्क्वायर करना है अगर तुमने ये कर दिया क्या बोलू मैं अगर तुमने ये कर दिया तो बचा क्या भाई टाइम निकल गया वेलोसिटी निकल गई डिस्टेंस निकल गई क्या बचा बोर बाबा ने इतनी सारे फायदे करवा दिए इलेक्ट्रॉन को कहीं का छोड़ा ही नहीं पता तो कहां जाएगा सब पता कर लिया उसके बारे में ठीक है आगे करते हैं आगे बढ़ते हैं

क्या बोला इन्होंने इन्होंने बोला कि सर आइटम ऐसा है जैसा सोलर सिस्टम जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे रहता है वैसे ही न्यूक्लियस भी प्लेटम के सेंटर पर रहता है ठीक है ये तो बोला और जिस तरह से प्लेनेट सोलर सिस्टम के अंदर चारों तरफ चक्कर काटते हैं सन के वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है जिस तरह से प्लेनेट जब सन के चक्कर चक्कर काट रहा होता है तो उसके ऊपर दो फोर्स वर्क करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है जिस वजह से प्लेनेट ना तो दूर जाता है ना ही पास आता है और वो फोर्स थे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट बताया था ऐसे ही मैंने क्या बताया एटम के अंदर देखो रटवा दूंगा बेटा मैं छोड़ूंगा तो नहीं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे तो वहां पर दो फोर्स वर्क कर रहे थे सर इलेक्ट्रोटिक फोर्स अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ डायरेक्शन अपोजिट और मैग्निट्यूड सेम क्लियर हो गई मैंने कहा ठीक है वैल्यू पुट करनी थी ये कहानी तो मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉन so आर आर उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एच मल्टीपल इंटीजर होगा इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो भी हो एच टू बाई से डिवाइड करके देखो अगर वो वैल्यू इंटीजर आती है, 1, 2, 3, 4, 5 आती है तो

इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर चक्कर काट रहा है यहां से पता लगेगा इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन घूमते हुए यहां पर देखो सब देखो सब टास्क बताया इस टाइप के उस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन बताया मैंने भी होंगे सब कर वेलोसिटी का पता लग गया फॉर्मूला याद करना चाहे कुछ हो या ना हो रिलेशन पता करना चाहे कुछ हो या ना हो

मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो अपनी एक फिक्स पोजीशन पर न्यूक्लियस के चारों तरफ का चक्कर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास भी नहीं आ रहा है मतलब अट्रैक्शन और ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन दूर भी नहीं जा रहा है आप मुझे बताओ उसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी या जो भी उसकी स्टेबिलिटी होगी वो फिक्स ही होगी कि नहीं होगी आप कहोगे सर बिल्कुल वो फिक्स है अगर इलेक्ट्रॉन और पास आ जाता पॉजिटिव चार्ज के तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है दूर हो जाता तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती लेकिन वो तो एक फिक्स पोजीशन पर ही घूम रहा है सर इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है फिक्स है स्टेबिलिटी फिक्स है तो एनर्जी क्या होगी फिक्स होगी बोलो बोलो एनर्जी क्या होगी फिक्स होगी तो इसका मतलब क्या होगा इसी बात से हमें एक बात निकालनी है वेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव अराउंड द न्यूक्लियस इट डज नॉट इट डज नॉट लॉस और गेन नहीं तो वह एनर्जी को प्राप्त करता है और ना ही वह लॉस करता है अपने फिक्स पोजिशन में घूमता रहता है डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी ठीक है भाई ये बात आपको समझ में आ गई कि वेन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इट डज नॉट लॉस और गेन द एनर्जी एंड मूव इन ए फिक्सड ऑर्बिट मूव इन ए फिक्सड ऑर्बिट फिक्सड ऑर्बिट ऑर्बिट ठीक है भाई विच इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट अब आप समझिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं आप कहोगे सर स्टेशनरी ऑर्बिट इसका मतलब क्या हुआ कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाले सर स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है बताओ प्लीज हम भी तो पढ़ रहे हैं इसको तो जरा देखो स्टेशन का मतलब होता है स्थान यानी आप लोगों को मेट्रो स्टेशन है ना किसी भी रेल का स्टेशन स्टेशन का मतलब होता है स्थान और स्टेशनर का मतलब होता है स्थाई स्थाई का मतलब फिक्स्ड फिक्स हमने पहले पढ़ लिया था फिक्स्ड ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट यानी ऐसा स्टेशनरी ऑर्बिट जिसकी एनर्जी ना तो लॉस होती है ना ही बढ़ती है क्लियर हो गई ये बात या हाया आपको सर बात बिल्कुल सही कर रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो अब मैंने आपको एक और बात कही थी जब मैं पोस्टुलेट चार की बात करूंगा ट चार की बात करूंगा पर मैं इलेट्रेशन को समझाते हुए बताऊंगा आप ही से पूछूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर करवाया था तो मैंने एटम का जो रूप बताया था, आपको बताया था था आपको वो ऐसा कि सेंटर पे न्यूक्लियस है और बाहर इनफाइनाइट सेल है एक आध नहीं होती इनफाइनाइट सेल है इसको देखकर इस फोटो को देख कर ना फोर्थ वाला पोर्सुलेट फटाफट आपको याद हो जाएगा फटाफट एक मिनट नहीं लगेगी याद करने में जरा कैसे मुझे आप एक बार बताओ यार अगर इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस सेल एंथ सेल में है और मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर जाना चाहता हूं ऊपर वाली सेल में लेना जाना हूं हायर लेवल पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी सोचकर देखो आप कहोगे सर बताया था आपने ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ बहुत प्यार करता है ये अगर इनको अलग अलग करना है तो इनके घर में आग लगानी पड़ेगी और घर में आग लगाने का मतलब क्या होगा सर इसको हमें रेडिएशन या एच न्यू एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और जैसे इसके घर में आग लगेगी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर स्टेशन पे पहुंच जाएगा कि नहीं हायर स्टेशनरी सेल पे पहुंचेगा कि नहीं कहोगे सर बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोला सर आपने तो जरा एक बात बताओ बेटा क्या आपको ये बात समझ में पता लग गई वैन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट जंप्स इट जंप्स कहां से जंप करेगा ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इट जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल लेवल टू हायर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल पता लग गया मुझे अब जरा देखो बट मैंने आपको जब कैथोड रेस पढ़ाई थी एनोड रेस पढ़ाई थी क्या बोला था वहां पे फ्लोरोसेंस का एग्जाम्पल दिया था और क्या था फ्लोरोसेंस में कि सर जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल से नीचे लोअर वाली सेल में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वो एनर्जी को बाहर निकालेगा ठीक है तो ये बात भी याद रखनी है ये बात भी याद रखनी है बट बट वैंड इट जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल या सेल कह लीजिए इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बात समझ में आ गई सर चारों पोसुलेट हमें याद भी हो गए चारों पोसुलेट हमें समझ में भी आ गए लेकिन माइंड में एक और दिमाग में एक और डाउट आ गया क्या है जरा देखो बहुत देर से सर आप चिल्ला रहे हो एनर्जी एनर्जी ओहो एनर्जी एनर्जी मैं एनर्जी एनर्जी चिल्लाता हूं क्या पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के कुर्ता फाड़ के नहीं तो ये एनर्जी जब आप कर ही रहे हो तो सर आप बस एक और बात बता दो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है बस इतना बता दो सर, एनर्जी बता दो कैसे कैलकुलेट करनी है फिर हम कर लेंगे देखो देखो हम छोड़ूंगा तो मैं नहीं बोर मॉडल को आईसी की तैसी करने वाले बोला था मैंने वचन दिया था आपको पहले स्टार्टिंग में ही कि आप छोड़ेंगे तो नहीं इसको लेकिन जब बात एनर्जी की आएगी तो हमारे माइंड में ना तीन तरह की एनर्जी आएगी क्या इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो घूम रहा था था मोशन में था तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी कि नहीं बोलो सर बिल्कुल होगी उसका उसका एक एक मास मास भी भी है भी है और एक कहने का मतलब वो चार्ज भी है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कि नहीं होगी भाई चार सेपरेशन है ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में उसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी यार आ... और उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल टोटल एनर्जी भी तो होगी सर एनर्जी का खेल समझाइए बाकी तो हमने समझ लिया। तो ज़रा देखो जरा देखो मेरे डराऊंगा नहीं मैं तुम्हें, और डरने दूंगा नहीं तुम्हें कोई कितना भी टफ कॉन्सेप्ट हो जाए अपन जरा देखो कैसे देखो कैसे इधर देखो कैसे भाई हमें अब हम पढ़ेंगे नया टास्क हमने लिया कि आज हम पता करेंगे एनर्जीज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो उसको भी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो उसको भी देखेंगे टोटल एनर्जी निकालनी हो उसको भी देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन उनके ऊपर आएंगे सबकी ऐसी तैसी करेंगे टेंशन ना लो मूविंग इलेक्ट्रॉन ठीक है जरा देखो देखो शेरो इधर देखो पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं पहला टास्क क्या है चलो भाई काइनेटिक एनर्जी का पता करते हैं हमारे माइंड में एक डाउट चल रहा है काइनेटिक एनर्जी का कैसे निकाले इस काइनेटिक एनर्जी को तो मुझे तो बस एक ही बात याद आ रही है कि जब कुछ समझ में ना आए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लिख लो क्या था बेसिक फॉर्मूला सर काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एक बटा दो एम वी स्क्वायर के बराबर इतना लिख लिया ना फॉर्मूला एकदम आ जाएगा कैसे जरा देखो अरे मेरे शेरों देखो इधर बाबा ने पहले वाली इक्वेशन को देखो एक बार फिर से क्या लिखा हुआ है एम वी के जेड ई बाय आर के बराबर है कि नहीं आप कहोगे यस सर बिल्कुल है कोई रोक नहीं सकता इसको मैंने कहा ठीक है अगर नहीं रोक सकता ना लगाओ रुक रहे हो भाई आप कहोगे सर कहो देखो जरा जरा देखो वी नो दैट वी नो दैट या पहले प्रथम पोस्टुलेट से फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा क्या थी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा क्या के जेड ई स्क्वायर बाय आर बराबर एम वी स्क्वायर और क्या मैं उस एमबी स्क्वायर इस वाले एम बी स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दूंगा बचेगा कुछ नहीं आप कर दो मेरा ठीक है कर दो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी के जेड ई बराबर और वन बाय टू तो रहेगा ही रहेगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास किसका काइनेटिक एनर्जी का किसका आ गया काइनेटिक एनर्जी का आगे देखो आगे देखो दूसरा टास्क है मेरा दूसरा टास्क है मेरा क्या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानना कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे आपको याद होगा कि जब दो चार्ज को पास पास लाया जाता है तो उनको पास लाने में एक कार्य किया जाता है और उस कार्य की यूनिट भी जूल होती है और उसके बराबर जो भी एनर्जी होगी उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं याद होगा क्या बोला मैंने अरे नलायको जब दो चार्ज होते हैं ना तो दूसरे चार्ज कहीं से तो मंगवाया गया होगा तो उनके लाने में जो बेटा जी फोर्स वो वर्क डन किया गया होगा उसके ही जो एनर्जी होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कैसे निकालोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किए गए वर्क डन के बराबर होगी किए गए वर्क डन के बराबर होगी ऐसे माइनस डब्ल्यू या कह लीजिएगा कि डब्ल्यू के इक्वेलेंट है अरे पीडब्ल्यू पी याद रहता है ना पीडब्ल्यू W पी तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है बराबर वर्क डन के बराबर होगी पर इसका साइन हम माइनस में लेते हैं और वर्क डन किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट इधर देख लो इधर देखो इधर स्टार्टिंग में ही देखो अरे जब जब मेरे पास जब इन मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था है ना तो यह फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिस फोर्स और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या दूरी वो कितनी हो जाएगी आर आप क्या करोगे आप क्या करोगे इधर देखो इधर कुछ नहीं करना है वैल्यू पुट कर देनी है इधर देखो कहा आएगा इधर आएगा ऐसे इधर आएगा कैसे जरा देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी इसको हम माइनस में लेंगे बेटा जी माइनस साइन होता है क्या हो हुँ जाएगा हमारे पास के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट क्या था आर के बराबर तो ये पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा माइनस के के स्क्वायर बाय आर बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया जैसा ये वाला आया था बट डिफरेंस क्या है यहां पर वन बाय टू नहीं लिखा हुआ और यहां पर वन बाय टू लिखा हुआ है बस इतना सा डिफरेंस था अच्छा सर हमने पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली है आप हमें बताइए टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे अब नालायक हो इंसान हो तुम्हें मैंने सिखाया था कि एनर्जी तो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है सारी एनर्जी को जोड़ लो टोटल एनर्जी आ जाएगी तो जरा देखो अब हमारे पास तीसरे नंबर पर क्या टास्क बजा था टोटल एनर्जी ऑफ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी E कैलकुलेट करनी है हमें किसके बराबर होगी E बराबर होगी बेटा किसके काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू रखो इसकी वन बाय टू के जेड स्क्वायर बाय आर और प्लस माइनस के वन बाई टू सॉरी ये तो माइनस ही होता है तो ये जेड स्क्वायर बाय आर आप देखेंगे इधर आधा के जेड स्क्वायर बाय आर इधर एक के जेड स्क्वायर बाय आर एक में से आधा गया तो माइनस के क्या बचेंगे आपको कि सर माइनस के वन बाय टू के जेड स्क्वायर बाय आर बचेगा मेरे शेरों ये, ये।, ये बचेगा ये ये बचेगा ये तीनों चीज कैलकुलेट कर ली मुझे पता है आज के लेक्चर में मैंने धमाकेदार बहुत बड़ा करवाया टॉपिक क्वेश्चन नहीं हो पाए मैं मानता हूं लेकिन क्वेश्चन तो तभी होगा मैं कॉन्सेप्ट को एक एक एंगल से दिखाऊंगा क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक यहां पर पर मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला तो ये आ गया भाई अब जरा देखो जब आपको हरे के फॉर्मूले पता लग गए जब आपको हरे के फॉर्मूले पता लग गए तो इनके बीच में रिलेशन भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं कई बार जरा देखिए जरा देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, पहला पॉइंट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तो आप लोगों को एक बात तो पता है मेरे शेरों क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी थी वन बाय टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर थी और जो टोटल एनर्जी थी ई e, वो बराबर किसके थी बोलो आप कहोगे सर वो थी माइनस के वन बाई टू के जेड स्क्वायर बाई आर अरे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन क्या हो गया अलग तो रिलेशन क्या मिला हमें कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है माँणस के, माँणस के टोटल एनर्जी के बराबर बस ये मान लेना है या टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है माइनस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो तुम्हारा मन करे ये रिलेशन आ गया पहले वाला रिलेशन आईटीज में छोटे छोटे रिलेशन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों आगे देखो टास्क नंबर टू क्या कह रहा है वो क्या बोलेगा वो तुमसे वो तुमसे कहेगा भाई क्या कहेगा तुमसे वो वो कहेगा रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड एंड पोटेंशियल एनर्जी आप क्या करोगे इसके लिए आप दोनों के का लिखा कर लोगे काइनेटिक एनर्जी का फोर्म क्या था अभी याद करा होगा मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा मैं बता रहा हूं स्क्वायर बाय आर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वन बाय टू और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा आप कहोगे सर कि ये बराबर होगा माइनस के के जेड स्क्वायर बाय आर आप मुझे बात बताओ यार आप मुझे बात बताओ अगर मैं इधर टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टू इन टू में काइनेटिक एनर्जी आएगा और यहां पर क्या बचेगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर और ये पूरी वैल्यू जो है के जेडी स्क्वायर ये टू का एनर्जी के बराबर है अगर एनर्जी e लिख दूर साइन तो बाहर रहेगा ही रहेगा तो मेरे पास ये रिलेशन नहीं आएगा क्या एनर्जी इज इक्वल टू किसकेटिक एनर्जी और बाहर माइनस का साइन बाहर माइनस का साइन क्लियर हुई यह बात आपको सर बिल्कुल ये बात तो हमें क्लियर हो गई अब जरा देखो आगे अब आगे देखो जरा जब आप ये बना लोगे तीसरा रिलेशन भी तो आएगा क्या रिलेशन आएगा कि सर इस बार आप ना टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी कौन सी थी ई एंड पोटेंशियल एनर्जी इनमें रिलेशन बताइए तो जरा देखो बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा ई इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा माइनस के के जेड ई स्क्वायर बाय आर आप मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि टोटल एनर्जी बराबर वन बाई टू बाहर लिया और माइनस के के जेड ई स्क्वायर बाय आर और इस वैल्यू माइनस के के जेड स्क्वायर बाय आर की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दू तो क्या कोई पाप कर दूंगा मैं बोलो कोई पाप कर दूंगा मैं आप नहीं सर ये कोई पाप नहीं है मैंने कहा ठीक है पाप नहीं तो करो यार इसको मैंने बोला कि टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी वन बाई टू इन टू में पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा टू इन टू में टोटल एनर्जी के बराबर तो ये रिलेशन भी आपको पता लग गया तीनों के बीच में रिलेशन भी पता लग गया मेरे शेरों तीनों के बीच में रिलेशन भी पता लग गया ये क्लियर हो गई अब आपके माइंड में और कोई डाउट बचा है क्या आ सकता है बताऊंगा आ सकता है ये डाउट आ सकता है कि सर न्यूक्लियस से दूर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली घूमते इलेक्ट्रॉन का दूरी कैलकुलेट कर ली एक चक्कर में कितना टाइम लेता है ये कैलकुलेट कर लिया बस आप ये भी बता दो कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी सर तो टोटल कुछ नहीं छोड़ूंगा देखो कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं छोड़ने वालों में से तो हुई नहीं इधर देखो इधर देखो।, देखो ये देखो एक और टास्क है जो जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं क्या है वो है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यार कोई बताएगा मुझे तुम में से कोई बताए आप हो गए सर एनर्जी बराबर होगी टोटल एनर्जी अभी आप आपने लिखवाया था माइनस के वन बाय टू के जेड ई बाय आर बस यही मैं कहना चाहता था यही पता होना चाहिए तुम्हें जरा देखो के कॉन्स्टेंट है जेड वेरी कर सकता है अलग अलग एटम के लिए आर वेरी कर सकता है और ई जो है वो कॉन्स्टेंट होता है मान लेते हैं आप मुझे एक बात बताओ यार क्या आप लोग जानते हैं कि आर का मेरे पास फॉर्मला होता है जीरो पॉइंट फाइव थ्री इन में टेन की पावर माइनस के टेन और इन में एन स्क्वायर बाय जेड आप कहोगे सर बिल्कुल यही होता है ऐसा ही होता है सर मैंने कहा ठीक है आप वैल्यू पुट कर दो यहां पर आर की जगह पर वैल्यू पुट कर दो आप देखो क्या होगा यहां पर कि जो टोटल एनर्जी है ना किसी भी एन नंबर वाली शेल के लिए तो ई एन बराबर आ गई किसके बराबर माइनस वन बाय टू के एज इट इज है ई स्क्वायर मैंने अलग ले लिया जेड को मैं अलग रखूंगा आर की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू में टेन की पावर माइनस के टेन ठीक है तुमको कहोगे सर बिल्कुल ठीक ये जो सारी वैल्यू है ये जब मैं के एस में रखूंगा तो मुझे बताओ एनर्जी किस में आएगी आप कहोगे सर एनर्जी आएगी जूल में क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल तो जरा क्या होगा जरा देखो ईएन का फॉर्मूला आएगा क्या का फॉर्मूला आएगा माइनस के ईएन का फॉर्मूला आएगा कैसे माइनस के टू पॉइंट कई जगह पर ये .179 हो सकता है वन सेवन नाइन को मैंने वन एटी मान लिया घबराना मत किसी भी मॉड्यूल में किसी भी बुक में धरती की कोई भी किताब हो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो कहीं भी हो फॉर्मूला बनेगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्र जेड स्क्वायर बाय स्क्र यह हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता लग गया जब उस एटम का एटॉमिक नंबर हमें पता लग हो पता होगा लग ही जाएगा का उसके अंदर कितने प्रोटोन है और वो जिस भी सेल का बोलेगा एन की वैल्यू रखेंगे धड़ाधड़ा धड़ाधड़ धड़ाधड़ एनर्जी निकालेंगे अब देखो ये जब फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा ना ये फॉर्मूला में ये जो भी आंसर आएगा ये जूल में आएगा मेरे बच्चों जूल में आएगा आप याद करो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई e से यानी वन पॉइंट सिक्स इन टेन की पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड करना पड़ता था ठीक है अगर मैं इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहूं इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास टी e एन का एक और फॉर्मुला आएगा माइनस के थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एक एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने वैल्यू निकाली है तो मेरे शेरों मेरे बच्चों ये बात भी आप याद रख लेना कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये फॉर्मूला जूल के अंदर है इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं है अब आपको लग रहा होगा सर आपने ना आज बहुत पढ़ा दिया बहुत पढ़ा दिया मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा मैं रुकता तो हुई नहीं मैं पढ़ाऊंगा वॉर मॉडल टफ नहीं है तुम्हारी सोच सिर्फ टफ बनाती है उसको तुम ये सोचते हो कि वो बहुत खतरनाक है बहुत टफ है याद नहीं होगा ये बात क्लियर है एनसीआरटी लेवल वाला मैं नहीं कराता मुझे हर एंगल से दिखाना होता है क्योंकि पता है क्यों पता है क्यों? देखो, देखो किस लिए तुम्हारे सामने जयस दो हजार बीस जय मेन्स दो हजार बीस इधर देखो जय मेन्स दो हजार सत्रह नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन देखो नाइनटीन एट इधर देखो एडवांस 2019 सब लेके आया हूं मैं 2014 ठीक है मतलब और ये भी हां ये भी बहुत मॉडल का पार्ट है ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया होगा एक दो आगे देखना 2020 आगे देखो 2020 आगे देखो 2014 आगे देखो 2020 आगे देखो 2020 थाउजेंड 2019 थाउजेंड नाइनटीन कहने का मतलब क्या है अभी मैं पिछले दस साल में भी नहीं गया अभी मैं पिछले दस साल में भी नहीं गया सिर्फ दो चार साल के पीछे ही गया और आप देख सकते हो यार कितने क्वेश्चन पूछे गए आई टी जेई में एडवांस में हर जगह से पूछे गए हैं क्या तुम चाहते हो कि जब आई टी जे के पेपर में तुम बैठो और वहां तुम्हारी कलम ना चले तो मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा कि हमें बहुत इजी लग रहा है इजी इजी पढ़ाओ सर मजा आएगा मैं तुम्हारे दिमाग खोल के उसके अंदर डालूंगा जबरदस्ती डालूंगा बस तुम्हें डलवाना है तुम्हें पढ़ाई करनी है ठीक है भाई ये मैंने समझाया तुम्हें इतना समझाने के बाद अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मान लीजिएगा यह मेरे पास एन टू कोई सेल है एन टू किसी भी आइटम के अंदर इनफाइनाइट सेल होती मैंने एन टू मान लिया और यह मेरे पास एन वन कोई सेल है वो ये कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा था घूमते घूमते उसका मन नहीं लगा वहां पर वापस आ गया इस वाली सेल के अंदर तो जब वो टू से वन में आया होगा जब वो टू से वन में आया होगा तो उसने कितनी एनर्जी एमिट करी होगी उसने कितनी एमर्जी एनर्जी, एनर्जी बाहर निकाली होगी ये बताओ मैंने कहा बड़ा आसान है क्या दिक्कत ले रहे हो यार इधर देखो ना इधर देखो सर यहां फॉर्मूला है ई एन वन बराबर कितना होगा माइनस के 2.18 पॉइंट में टेन की पावर माइनस के एटीन ऐसे कर लो ऐसे करोगे ना और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी जेड का स्क्वायर बाय वन का स्क्वायर क्योंकि दुनिया का कोई भी आइटम हो उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रहे सेकंड सेल में रहे नंबर ऑफ प्रोटोन तो सेम ही रहेंगे ना भाई न्यूक्लियस के अंदर इसलिए जेड मैंने सेम माना यहां पर क्या रखूंगा एन में उसकी एनर्जी कितनी होगी ई टू कितनी होगी या इन कितनी होगी मेरे बच्चों माइनस के टू पॉइंट इन टू में टेन की पावर माइनस के एटीन और इन टू में जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन टू का स्क्वायर जरा देखो मान लो न्यूक्लियस कहीं यहां पर था पहले उसकी एनर्जी पहले उसकी एनर्जी यहां से लेकर यहां तक वो है यहां से लेकर यहां तक वो है उसने कैलकुलेट कितनी करी होगी सिर्फ इतनी सी कैलकुलेट करी तो इसके लिए मैं क्या चेंज इन एनर्जी निकाल लू इस टोटल मैग्नीट्यूड में से ये छोटा सा मैग्नीट्यूड निकाल लू माइनस कर दू बोलो यार अरे कुछ और नहीं है ये पॉजिटिव 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 वाला न्यूक्लियस है रे न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से ऊपर एन वन सेल एन टू सेल ऊपर से कहीं इलेक्ट्रॉन आया होगा ये गैप उसे कितनी एनर्जी वो एमिट करी होगी उसने कुछ नहीं है भाई आप क्या करोगे ई एन टू माइनस के ई e एन वन ऐसे करोगे एन टू माइनस के ई एन वन यही करोगे और क्या कर सकते हो तुम कुछ नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते भाई जब आप इन टू और ई एन वन करोगे ना तो माइनस के टू पॉइंट टू पॉइंट वन एट इन टू में टेन की पावर माइनस के एटीन और जेड स्क्वायर कॉमन आएगा यहां पर वैल्यू कितनी आएगी माइनस के टू पॉइंट रुको रुको एक काम कर लेते माइनस यहां नहीं लेते माइनस अंदर छोड़ देते हैं टू पॉइंट वन एट इन टू में टेन की पावर माइनस के एटीन और यह क्या बन जाएगा जेड तो रखा है लेकिन जब इसके माइनस को मैं अंदर लूंगा और इसी को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो यहां पर क्या बनेगा वन बाय वन का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर मेरे शेरों बस ये फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा है ना ये वाला फॉर्मूला ये वो गैप है इतनी एनर्जी को वो रिलीज कर सकता है जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो ये वाले फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लेना हैं, सब करवाऊंगा पर तुम्हें करते रहना है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इदर देखो इधर ये हम पढ़ चुके हैं मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं कि जब आपको ये डेल्टा ई पता लग जाएगा ना तो हो सकता है कि वो एनर्जी ना पूछे वो ये पूछ ले कि बताओ वेवलेंथ कितना था तो ये फॉर्मला तो तुम जानते ही होंगे ना डेल्टा ई टू एच सी बायडा एच तुम्हें पता है सी तुम्हें पता है निकाल लेना अगर वो फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इसको इसकी जगह पर क्या लिख दोगे डेल्टा ई की जगह पर इसको एच न्यू भी लिख दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कुछ दिक्कत नहीं पर को सब कर लेंगे कोई दिक्कत है ही नहीं यार पर मैं एक और लास्ट में बताना चाहूंगा आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको ये फॉर्मूला पढ़ा रहा था ये एन इसके कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप मुझे बताइएगा अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ये जो ओवरऑल वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी आप कहोगे सर ओवरऑल वैल्यू घटेगी अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो मैंने कहा ठीक है माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतना बड़ी होती है छोटी होती है बोलो यार आप कहोगे सर माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो रियल में उतनी बड़ी होती है ठीक है मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है दूर जा रहा है तो सेल बढ़ रही होगी कि नहीं बोलो यार तुम कहोगे तुमको सर सेल बढ़ रही है एन बढ़ रहा है एन बढ़ रहा है तो ये मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है और नेगेटिव में जो मैग्नीट्यूड छोटा है वो वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है ठीक है तो यहां पर एक और बात लिखेंगे क्या लिखेंगे जरा देखो नोट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था नोट पॉइंट क्या था भाई इधर देखो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases as the electron as the electron moves away from the nucleus ठीक है भाई एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी क्लियर होगी ये बात

और ये वैल्यू हम एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे नहीं रखोगे तो बेटा तुम्हें सूता जाएगा फिर बहुत अच्छे से ये पहला फॉर्मूला है जो हमने सीखा दूसरा जब कोई इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो उसकी जो विलोसिटी है वो क्या रही होगी तो विलोसिटी का फॉर्मूला आया होगा क्या कि विलोसिटी बराबर टू पॉइंट वन एट इन में टेन की पावर सिक्स और यहां पर क्या लिखा था बोले बोलो मैंने लिखा था जेड बाय एन यही लिखा था और यूनिट थी इसकी मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड बस एक फॉर्मूला ये भी है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की करना ठीक है और रिलेशन ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ शेल रिलेशन ऑफ टाइम और नंबर ऑफ शेल कौन सा टाइम जो टाइम उसको घूमने में लगता था वो क्या रहा होगा तो आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि टी वन बाई टी टू बराबर क्या था एन वन बाय एन टू एन वन बाय एन टू का क्यूब और जेड टू बाय जेड वन का स्क्वायर तो ये आपके पास तीसरा फॉर्मूला था जो आपको याद करके चलना पड़ेगा भाई जो आपको याद करना ही करना पड़ेगा ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं ये फॉर्मूला आपने को सिखाया मैंने आगे देखो एक मैंने आपको यहां से भी सिखाया था क्या था वो तो आप निकाल ही लोगे ना कि आर वन बाय आर टू बराबर एन वन बाय एन टू इसका स्क्वायर और बेटा जी जेड वन बाय जेड टू ठीक है भाई सॉरी जेड टू ये फॉर्मूला भी तुम निकाल ही आप से मुझे तो लगता नहीं है कि तुम कुछ छोड़ दोगे अभी ये भी तुमने निकाल दिया वेलोसिटी वाला रिलेशन था जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से थे कि v1 वन बाय वी टू वी वन बराबर कितना आएगा आप कहोगे सर जेड वन बाय जेड टू इन टू में एन टू बाई एन वन यही सिखाया आपने और हमें याद भी हो गया मैंने कहा ठीक है बेटा शेर हो ना बब्बर शेर तो आज याद भी हो गया होगा ये वाला फॉर्मूला भी हमने सीख लिया और हमने एक फॉर्मूला और सीखा वो था एनर्जी वाला एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा था जरा बताना यार कि सर एन बराबर कि सर, एन बराबर माइनस के 2.18 पॉइंट वन की पावर माइनस के 18 ठीक है भाई जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर और ये वैल्यू हमने निकाल थी सर जूल में ये वैल्यू हमें याद हो गई सर ये मत सोचना क्या मैं याद नहीं हुई है खतरनाक आदमी है मैंने कहा ठीक है ये फॉर्मूला भी याद हो गया भाई ये भी निकाल लिया हमने और एनर्जी का एक और फॉर्मूला था जो आपको याद होगा कि एन इक्वल्स, टू, एन इक्वल्स टू, इतना माइनस के थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और ये वैल्यू थी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो इसकी यूनिट थी वो क्या थी इलेक्ट्रॉन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट ठीक है तुमने तो भाई ये भी कर लिया यार क्या बोला जाए तुमसे तुम तो खतरनाक हो गए भाई तुमने तो ये भी सीख लिया ये हुआ और क्या रिलेशन हमने निकाले फाइनली हमने क्या निकाले कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के माइनस के बराबर है ये रिलेशन भी हमने आज आप पढ़ा आप लोगों से मैंने कहा ठीक है ही पढ़ना था मैंने आपको बताया था कि टू टू में काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है मैंने कहा ठीक है ये पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया बात है भाई इसको भी पढ़ के रखो हमने निकाला सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टू इन टू में टोटल एनर्जी ये भी हमने आज ही पढ़ा ठीक सोरी सॉरी सोरी है। हाँ यह है ठीक है अब बेटा टाइम आ गया बाल सेट करने का देखो क्या क्या याद किया हमने आज देखो क्या क्या निकाला हमने आज उस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर घुमा रहा था ना उसकी धज्जा उथेड़ के रख दी हमने आज उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो घूम रहा था ना इसे चकमा दे के घूम रहा था देर फालतू घूम रहा था उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली हमने ऐसे सीबीआई ऑफिसर बन गए हम कितनी दूरी पर घूम रहा है किस स्पीड से घूम रहा है क्या टाइम लगेगा किस टाइम लगेगा क्या क्या रिलेशन होंगे कितनी एनर्जी होगी सब पता कर लिया हमने आज और तुम्हें लग रहा है कि ये पता करने के बाद हम एक भी क्वेश्चन छोड़ जाएंगे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है तो ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद जय भारत आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है और आप लोगों के आंसर जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है all the very best love you all